मुबारक हो, स्टिक लेके आया हूँ, स्टिक लेके आया हूँ। टन टन टन। अरे मामू के पास माइट। गर्मी में पी जा। तो फाइनली ये खाना आ गया है। ये आलू है और ये रोटी है। Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratata. Assalamu alaikum, viewers. ¿Qué tal? ¿Qué se ha hecho? Yo me he dicho que quiero que se haga la paz. Que me han dado. आप देख रहे हैं राजा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सुबह का टाइम है, आज सवेरे उठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से। एक काम था, दो काम थे, चार काम थे, पांच, बल्कि इतने काम थे क्या बताऊँ आपको, कि आज इंशाल्लाह आप भी दुआ करें वो सब काम हो जाए, जिम्मेदारियाँ हैं। तो दो मिनट, सबसे पहले ये आपके भाई की बाइक, इसके पकौड़े बने हुए हैं, ये तैयार है। इसको निकालेंगे बाहर, चलेंगे सीधा, करेंगे पहले, हाँ पहले याद आ गया, पहले नाश्ते का सामान लेंगे घर देंगे, फिर करेंगे वह व्लॉग शुरू आज का, और सामान लेंगे पहले नाश्ते का, उसके बाद देखते हैं मामू साथ चलता है या पंपी। उसके बाद बहुत सी ऐसी जगहें जाएंगे जो ज़िंदगी में आपने कभी नहीं देखी होगी। तो जुड़े रहिए आप इस व्लॉग में, कहीं जाना मत। फाइनली बाहर निकल कर आ गए और ये गाड़ी तैयार है। जल्दी जल्दी में बैठते हैं गाड़ी पर, लगाते हैं इसको किक जल्दी जल्दी। ये इसको लग गई किक, चलते हैं करते हैं आज का पहले नाश्ता, फिर व्लॉग शुरू। सुबह सुबह हम निकले हैं घर से, दिन का टाइम है, गर्मी बहुत है। चलते हैं सीधा बहादुर अली के पास, जो हमारा बहुत ही रोज का पुराना दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। आज बहादुर भाई काफ़ी बिजी है फ़ोन पर, थोड़ा रूट शूट लेंगे फिर चलेंगे घर। एक काम पहले ही ऐसा हो गया जो ज़रूरी था, वो पहले ही काम हो गया। काल आ गई तो उन्होंने काल की कि आओ आपका काम हुआ पड़ा है, ले जाओ। चलते हैं आगे, बहादुर भाई से फ्रूट ले लिया है, अब चलते हैं आगे। ये इसमें की लग गई, लेकिन ये डारे के पहले से ही स्टार्ट है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है दूसरा। तो भाई बाहर निकल आया हूँ फाइनली, अभी जा रहा हूँ बोलू मोलू सोलू माइक के पास, सूट के पास। पहले तो ये बताओ आए आवाज़ आ रही है या मैं यहाँ तेज़ आवाज़ में बात करूँ, क्योंकि पीछे नॉइज आ रहे हैं बहुत ही आवाज़ है हवाओं की। तो आप बताओ या मैं यहाँ तेज़ आवाज़ में बात करूँ। भाई ये अपना बिजी तो बहुत हूँ, व्लॉग भी नहीं बना पा रहा। बिजी ये हूँ कि नालियाँ गटर वगैरह साफ करता हूँ इसलिए। बाकी ये अभी आया हूँ माइट वालों के पास, मामू के पास। माइट अस्सलाम वालेकुम। गर्मी में पी जा। तकड़ी बड़ी हुई। हां यो केर कोने आयाज बयाज आयाज यो किरो ना वटी हुई। डिफेंस वाली साइड आए थे अपने, एम्बुलेंस सेंटर वाली साइड काम था थोड़ा, तो यहाँ पर ये बैंक में थोड़ा काम था, वो काम कर लिया। गर्मी आज इतनी है कि पूछो पत पत, पकौड़े बन गए। वापस हल दो यार। हाँ है गुनाहगार न कर, मामू भी आजकल बहुत कोशिश करना सीख गया है। भाई अभी ठंडी सड़क वाली साइड आए मामू के साथ, बहुत काम है आज, गर्मियों में जलील होते हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पंपी ने भी रब्ता किया था और मैंने उसे कहा कि मैं शाम से हूँ फिर मिलता हूँ। यार गर्मी आज इतनी है, बस आज के बाद व्लॉग नहीं बनाऊँगा, व्लॉग बनाऊँगा भूल गया मैं, आज के बाद बस व्लॉग बनाऊँगा। बाकी गर्मी इतनी है इसलिए अपना ठंडी सड़क वाली साइड, मैक्स बचत वाली साइड खड़े। ये मामू की कंडीशन देखो गर्मी में क्या हो गई है। हल बस बड़ी अच्छा सुनगा, हमारा अंदर लगे तो फांसी तो निकल ही कौन दो। एक बंदा गया था अंदर, वो लगता है फंस गया, निकल नहीं पा रहा लिफ्ट में। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या माहौल होता है। बाकी सूख भाई से भी रब्ता किया था, पंपी से रब्ता किया था, पंपी सो रहा था तो मैंने बोला उसे सो जाओ जागना भी मत। तो भाई गर्मी थी आज बहुत, घर आए थे अभी थोड़ा, सुबह से चाय नहीं पी थी, अभी चाय पी ली है। माइट ने गोल गप्पे ने सूफ ने काल की थी, उसकी काल नहीं उठाई। तो अभी ये मामू पीछे मेरे बैकग्राउंड के बाइक को घुमा रहे हैं,
अभी जाएंगे, काम है हमारा दोस्त है तौकीर भाई उससे मिलने, उसके बाद देखते हैं माइट से गोलगप्पे से सूख से मिलते हैं या नहीं। बाकी आज गर्मी बहुत थी, अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गई है, जुड़ाली मौसम हुई है थोड़ा। अभी अभी ये मामू आ रहे हैं, मेन कस्टमर। गाड़ी में यार पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो पेट्रोल भरा लिया है, गर्मी आज बहुत है। एक दोस्त है मेरा तौकीर भाई, उसके बच्चे की तबीयत सही नहीं थी तो मिलने आया था डॉक्टर के पास। अब ये पेट्रोल भरा लिया है फाइनली, भाई ने बकाया पैसे वापस नहीं लिए। ये भाई आ रहा है, मेहरबानी बा, तो ये फाइनली बकाया भी मिल गए। चलते हैं मामू के पास और प्रूफ गोलगप्पे के पास। भाई अभी आया था हाशिम भाई के पास कपाड़ पर, तो वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, 5-10 मिनट वहाँ पर बैठा भी। अभी थोड़ा मौसम ठंडी हुई, हवाएं शवाएँ चल रही है, मामू और सूप मेरे साथ है। तो भाई अभी घर पहुँचा हूँ, सुबह से बाहर था, अभी अभी आया हूँ घर के अंदर। खाना वाना नहीं खाया, घर का माहौल सारा उजड़ा पड़ा है। कौन की नुक जाए कुछ बन रही टाइम ले रही हाँ नहीं कपड़े से धोए। तो भाई पहुंचा हूँ अभी घर, लेकिन खाने के लिए ईंटें पड़ी है, भूसा पड़ा है, लेकिन खाना नहीं पड़ा। तो ये हालत मेरी आप देख सकते हैं, दिल भरा अपन की तुम अपन धीरा, हालत उजड़े हुए चमन भिखारी जैसी बन गई है। और घर में खाना भी नहीं है, पता होता तो आता भी नहीं। अब कह रहे हैं कि अभी पका रहे हैं, अभी टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम अभी अगर पकाएंगे तो टाइम अभी इतना हुआ है कि मैं आपको दिखाता हूँ टाइम। ये टाइम आप देखें, अभी टाइम हुआ है शाम के 6 और सुबह वाला खाना अभी खाएंगे तो क्या बचेगा। बस फिर भी देखूँ 5-10 मिनट वेट कर रहा हूँ और क्या करना पड़ेगा भाई, इज्जत ही नहीं है घर में आपका। तो भाई खाना तो नहीं खाया, बस लगता है अब भूसा ही खाना पड़ेगा। अभी जा रहा हूँ, एक दोस्त ने मेरा कॉल किए, उससे कुछ खट्टा पानी नहीं था उधार लिए, इस वजह से जा रहा हूँ उसके पास। वो बाइक को पंप पर खड़ा है, निकल रहा हूँ अभी उसके पास, सीधा जाऊँगा फिर आऊँगा वापस घर। ये निकल चुका हूँ बाइक पर। तो फाइनली ये खाना आ गया है, ये आलू है और ये रोटी है। तो हाथ तो धोकर मैं आया ही नहीं, अब पहले तो हाथ धोना ज़रूरी है, नहीं तो जरासीम वगैरह होते ना। तो बस खाना आ गया है, सिर्फ पूछ रहा हूँ, हाथ धोने जा रहा हूँ। हाथ धोना सफाई सुन्नत में शुमार है, तो सफाई ज़रूर रखे, हर चीज़ की ख्याल रखा करें हर चीज़ का, नहीं तो मुझे मेरी तरह इस तरह हो जाओगे। क्या हो गया, अभी हाथ धोऊंगा फिर चलेंगे खाना खाने। आप भी खाएं तो आप भी आए, लेकिन दूर है, जब भी मिलेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन साथ में भी खाएंगे। मामू को मैंने 5,50,530 तीन काले की, लेकिन काला ट्रेनिंग की, तो बंगले पर आया हूँ, देखते हैं या नहीं है। अभी आया था मामू वालों के पास, जा रहा हूँ अली प्लस पर, एक काम है, माइट से गोलगप्पे से मिल लिया, अभी जा रहा हूँ अली प्लस, थोड़ा काम है ज़रूरी। बाइक एक तो मेरी बगैर चाबी के स्टार्ट हो जाती है, दूसरा मैं नालायक तो खुद हूँ, ऐसे ही छोड़ कर जाता हूँ, ना लाग लगा हुआ होता है ना ऐसे ही। एक तो ये डायरेक्ट है, जिसका दिल चाहे चढ़ कर चला जाए। तो मामू वालों से मिलने आया था, थोड़ा काम था इस वजह से मामू फ़ोन नहीं उठा रहा था। अली प्लस जब भी जा रहा हूँ, एक बंदे में काम है, जाऊँगा सीधा उसके पास, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। रात का टाइम है, चारों तरफ खतरा ही खतरा है, ट्रेन जा रही है टक 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 टक, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो भाई सीन ये है कि जाऊँगा थोड़ी देर में मामू वालों के पास, एक गांव है, अभी वहाँ खड़ा हूँ, एक दोस्त से मिलने आया हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ, वेटिंग में खड़ा हूँ। ये मेरे हाथ में पेन है और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। एरिया का माहौल आपको दिखाता हूँ, देख लिया आपने, यहाँ पर वेट कर रहा हूँ उसी दोस्त का, मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ पर ये कमीना चला गया। डर भी लग रहा है, सुनसान ही रहे हैं, गलियाँ हैं,
ऐसे लग रहा है कि मैं खड़ा हूँ, ऐसे लग रहा है कि कोई पास में क्रॉस कर रहा है, ऐसे लग रहा है। ए भोड़ा पापा दे दे नोट, छप्पन की मशीन सबकी बजा दू बीन, सबकी बजा दू बीन। हम है मस्त मौला, हम है मस्त मौला, अपनी धुन है मगर दिल के बादशाह। हेलो व्यूअर्स, भाई एक बात आपसे करनी थी। पंपी नाराज है, काफी दिनों से पंपी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो 3-4-5 दिन हो गए हैं। इस वजह से पंपी मुझसे नाराज लगा पड़ा है, उससे बात भी मेरी नहीं हुई। और बस यही बात करनी थी, आप उसे कहे कि मुझसे नाराजगी खत्म कर दे और विलोग में आ जाए। विलोग में पंपी होता है ना तो मजा होता है, इस वजह से पंपी नहीं है तो विलोग थोड़ा साइलेंट रहता है। आप सुनाएं आपकी से तबियत कैसी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर, लाइक कर दबाना ना भूलिए का। तो अभी सीन ये है, रात का टाइम है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को ही जब ये फरिश्ता निकलता है उसे लोग शहनशाह कहते हैं। तो रात का टाइम है, अभी 11 बज गए हैं रात की 11। अब यूँ पकड़ कर बनाता था पहले, आज मैं मुबारक हो स्टिक लेके आया हूँ, स्टिक लेके आया हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, छोटा डॉन। सब बात समझ लो, सब मुझे सब्सक्राइब करो, सब, एक भी नहीं रहना चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई रह गया तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी तो फिर उसका वो अशर होगा, वो अशर होगा, उसको पकड़कर खिदमत करेंगे, केक खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, ब्रोस्ट खिलाएंगे, मावा खिलाएंगे, पकोड़े खिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे और उसे कहेंगे भाई अब तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये होती है हमारी इंक्वायरी। तो आप बताएंगे आज मैं स्टिक में ये छोटा सा जो है ना एंगल वाला स्टिक होता है, मैं आपको स्टिक से मोबाइल निकाल कर भी दिखाता हूँ कि स्टिक मैंने कौन सी ली है या क्यों किससे लेकर आया हूँ। स्टिक में लेकर आया हूँ जीशान भाई से। जीशान भाई को मैंने बोला कि मुझे दे दो 2-4 दिन, मैं चेक करूँ स्टिक में सही वीडियो ब्लॉग्स बनते हैं तो मैं स्टिक में बनाया करूँ। वो स्टिक यानी एंगल, एंगल होता है ना, एंगल पकड़ने वाला, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, स्टिक, एंगल, लकड़ी, कुछ भी, लेकिन वो जिसमें मोबाइल अंदर आती है वो पकड़ कर वो फिर यूं बनाओ इस तरह इस तरह। तो कैसा लग रहा हूं मैं,